की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने वसीम रिजवी के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। मुन्ना पांडे वसीम रिजवी की PIL को लेकर आज गोसिया मस्जिद दलपतपुर में गरीब नवाज ट्रस्ट के मैनेजर अल्लामा ताहिरुल कादरी ने जुमे की नमाज अदा करने के बाद शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में इस्लाम धर्म के मानने वाले मुस्लिम लोग पहुंचे। वहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए मौलाना ताहिरुल कादरी ने वसीम रिजवी ने जो पवित्र कुरान की 26 आयतों के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल करके माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि पवित्र कुरान से 26 आयतों को हटाया जाए। वसीम रिजवी की इस PIL से दुनिया भर के इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग वसीम रिजवी के खिलाफ हो गए हैं। वसीम रिजवी पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग सरकार से सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं वसीम रिजवी ने देश में नफरत फैलाने का काम किया है, अगर उसके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो देश में असंतोष फैलने का खतरा है। इसलिए शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी PIL को लेकर आज गोसिया मस्जिद दलपतपुर में विरोध प्रदर्शन करते हुए मौलाना ताहिरुल कादरी ने वसीम रिजवी के खिलाफ एक ज्ञापन मुहिम राष्ट्रपति जी के नाम से डाक द्वारा वसीम रिजवी के द्वारा दायर की गई माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL को खारिज की मांग करते हुए ज्ञापन भेजा है। इस विरोध प्रदर्शन में मौलाना ताहिरुल कादरी, कारी मुस्तकीम, कारी अफजल, उस्मान पूर्व प्रमुख, अनीश चौधरी, दूल्हा नंबरदार, बब्बू नासिर, हाजी अयूब, सरताज मियाँ, फुरकान चौधरी, हाफिज वारिस प्रमुख, हाफिज इकराम, हाफिज नामे अली, हाफिज मकसूद, बब्बू खां आदि लोग मौजूद रहे। बार बार उनकी जगह पढ़े, इसके अलावा आप ये साबित करते, कह रहे शैतान वसीम रिजवी तू तो 26 आयतों की बातें करता है, हम 26 आयतें कुरान में निकालने की तो बात रही है ना, हम अपने सीने में रख लेंगे, हमारे सीने से तू कैसे निकाल देगा, और 26 आयतें नहीं 26 सूरते हिफ्ज करेंगे, 26 पारे हिफ्ज करेंगे, पूरा पारे हिफ्ज करके हम कुरान की हिफाजत करेंगे। मैं इत्मीनान देता हूँ आप कुरान की 26 आयतें हर हाल में ज़बानी हिफ्ज करके ये पैगाम दे दे वसीम रिजवी तू क्या निकालेगा कुरान से 26 आयतें, और हमें अपने कोर्ट पर भरोसा है तेरे जैसे यहाँ पागलों की आवाज, तेरे जैसे पागलों के कहने में हमारा इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा, उसके हमने यहाँ मांग भी की है, लिहाजा ये पैगाम लेकर जाए कि 26 आयतें आपके सीने में महफूज कर लो, आज से ये पैगाम लेकर जाओ कि 26 आयतें कुरान की सीने में महफूज करेंगे। बताइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, तहफ़्फ़ुज़े कुरान, कुरान की हिफाजत का एक जरिया कुरान। शर्फ हसन नासिर को नेस्तो नाबूद कर ले, ऐसे लोग हमारे मुल्क में पैदा ना हो और ऐसे लोग जो है पैदा होते ही नफेद कर ले, उन्हें नेस्तो नाबूद कर ले, ऐसी साजिशों से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। हमारे मुरादाबाद खुसूसन इलाका दलपतपुर वगैरह और अतराफ के तमाम गाँव की जान माल आलू की हिफाजत फरमा। निजाम मस्जिद गौसिया की अमीर का काम वैसे से पूरा फरमा। गरीब नवाज फिरस की खिदमात कबूल फरमा। ये जो हमारे उलमा उफास कुर्रा है, सामाजिक सियासी हजरात है, इनकी सबकी सामाजिक खिदमात कबूल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहम।